वहीं शिवपुरी जिले के मायापुर थाना में ग्राम खडीचरा से गढ़ा सरकार मंदिर जा रहे युवक को रास्ते में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया है। दरअसल रामकुमार यादव अपने गांव से जंगल में स्थित गढ़ा सरकार मंदिर पर जा रहा था, तभी रास्ते में एक गाड़ी से दो युवक और एक लड़की खड़े मिले, जिसके चलते युवक ने उनसे जानना चाहा कि मंदिर जा रहे हो, तो इस बात पर दोनों युवक गाली गलौज करने लगे। वहीं आक्रोशित दोनों युवकों ने रामकुमार को पैर में गोली मार दी और गोली लगते ही रामकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि घटना के समय रामकुमार के साथ में जा रहे भाई ने एक युवक को पकड़ लिया, वहीं दूसरा युवक लड़की को गाड़ी पर बैठाकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच कर आरोपी को अपने गिरफ्त में लिया है। हम गढ़ा मंदिर जा रहे थे दर्शन करने, तो वहाँ रास्ते में एक गाड़ी खड़ी थी अपाचे, उस पे दो लड़का थे एक लड़की थी। तो हमने पूछा भैया यहाँ क्यों खड़े, चलो मंदिर नहीं चल रहे? तो वो हमें गंदी गाली देने लगे, गंदी गाली देने से हमने रोका तो भाई को गोली मार दी उन्होंने। ये मामला है, अभी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी दोपहर करीब 12 बजे, 11:30-12 बजे तक था, कि रामकुमार यादव को किसी ने पैर में गोली मार दी है। इस सूचना पर से हमारी पुलिस टीम मौके पर बीट में ही घूम रही थी। तत्काल हमारे स्टाफ के लोग वहाँ पहुँचे मौके पर, तो मौके पर देखा कि एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। ये कि गढ़ा मंदिर जो है रास्ता, उधर ये मौके पर जंगल का रास्ता है, वहाँ पर ये लोग इसको पैर में लगी हुई थी गोली। वहीं मौके पर भी पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। मामला ये था कि ये लोग मंदिर जा रहे थे, रामकुमार और इंद्रपाल दोनों भाई हैं, मोटरसाइकिल से। तो रास्ते में दो तीन लोग बैठे हुए थे जिनके साथ में एक महिला थी, उन्होंने बताया गया, उनने पूछा जो फरियाद ये जिसको बोल रही कि आप लोग यहाँ कैसे बैठे हो, चलो मंदिर ही चलो। उनमें से एक जो आदमी था उसने बोला कि हमको नहीं जाना मंदिर, तुम्हें क्या मतलब है यहाँ बैठे या कुछ करें। इसी बात पे दोनों का विवाद हुआ। जो अन्य दो थे वो तो चले गए बाइक लेकर, जो महिला और एक और आदमी वो तो निकल गए, और जिससे बहस चल रही थी उसने अपने पास जो कट्टा रखे थे उससे उसको गोली, उसके पैर में गोली मार।